नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता और आप देख रहे हैं आई इंडिया। उत्तर प्रदेश के कानपुर से दिल को झकझोर देने वाली एक घटना सामने आई है। इस घटना में जो हादसा हुआ उसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। बहरहाल, यह कहावत एक बार या फिर सच साबित हुई है कि जाको राखी साइयां मार सके ना कोई। बताते हैं कि कानपुर के विजयनगर चौराहे के पास एक अनियंत्रित लोडर ने परिवहन विभाग की बस में टक्कर मार दी थी। इस हादसे में बस पर सवार अलक प्रकाश के बस में लोहे की रॉड टूटकर सीना चीरते हुए आर पार हो गई थी। रॉड आर पार होते ही खून का फव्वारा निकल पड़ा। बस पर सवार यात्रियों ने जब यह नजारा देखा तो उनकी रूह कांप गई। घायल बुजुर्ग को फौरन एम्बुलेंस की मदद से हैलेट अस्पताल भेजा गया। सीने में धसी रॉड देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। अस्पताल में मौजूद डॉक्टर ने अधीक्षक प्रोफेसर डॉक्टर आर के सिंह को घटना की जानकारी दी। डॉक्टर आर के सिंह ने अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर विशेषज्ञों की मदद से बिना समय गवाए सर्जरी का फैसला लिया। चूंकि रात होने के चलते डॉक्टरों को रॉड काटने के कटर नहीं मिल रहा था, काफी प्रयास करने के बाद एक प्लम्बर से कटर मंगवाकर सीने में घुसी लोहे की रॉड को काटकर निकाला गया। इसके बाद डॉक्टर प्रिय शुक्ला, डॉक्टर प्रेम शंकर, डॉक्टर नीरज सिंह, डॉक्टर स्वाति, डॉक्टर यामिनी और डॉक्टर अनवर आदि की टीम ने ऑपरेशन को शुरू किया। लगभग 2.5 घंटे तक डॉक्टरों की टीम ने काफी मेहनत की और मरीज की जान बचाकर न कि मानवता की मिसाल पेश की, बल्कि यह सच साबित किया कि चिकित्सक आज भी धरती का भगवान है। आइए पहले सुनते हैं हैलेट अस्पताल के डॉक्टर आर के सिंह ने सफल ऑपरेशन के बारे में क्या कुछ कहा। हाँ, रविवार को करीब 8:30 बजे करीब एक पेशेंट जिनका अलग प्रकाश खरे नाम से मरीज थे, जिनकी उम्र लगभग 65 साल थी, वो इमरजेंसी में आए गंभीर हालत में 108 नंबर एम्बुलेंस से। तो उनको तत्काल ही हम लोगों ने इलाज शुरू कर दिया है। उनकी रॉड लगभग जो है 1.5 मीटर के आसपास थी, जो दाहिनी तरफ ऊपर सीने में चीरते हुए आर पार हो गई थी। तो उनको बैठने में, उठने में, लेटने में बहुत दिक्कत हो रही थी और काफ़ी गंभीर स्थिति में हमारे पास आए थे। तो हमने तत्काल ही सर्जन डॉक्टर प्रिय शुक्ला उनके अंडर भर्ती करा मरीज को, और कार्डिक थोरेसिक सर्जरी की टीम डॉक्टर अनवर और डॉक्टर प्रेम शंकर जो HOD सर्जरी हैं और प्लास्टिक सर्जन भी हैं वो, और ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर चेतन और हम अन्य डॉक्टर स्वाति जो हमारी एनेस्थीसिया की टीम की हेड थी उस दिन, तो ये सब लोग मिलकर के तुरंत उसको जो है OT में ले गए। और सबसे बड़ी गंभीर समस्या ये आ रही थी कि वो रॉड ना होने के लंबी होने की वजह से उस मरीज को एनेस्थीसिया देना मुश्किल हो रहा था। तो रात में ही कटर वाले को बुलाया, उन्होंने मानवता के नाते आके तुरंत उसको रॉड को काटा, छोटा करा, तब जाके उसको बेहोशी हालत में उसको बेहोशी दी गई। उसके बाद हमारे डॉक्टरों ने उसको ऑपरेट करा और वो इस समय मरीज़ का स्टेबल है, ICU में है, मॉनिटर चल रही है उनकी, लेकिन मरीज़ की स्थिति अभी आउट ऑफ डेंजर है और मरीज़ भी काफ़ी खुश। ये लगभग 2.5 घंटे ऑपरेशन चला हमारा और इसमें जो है हाँ ये करीब हमारे 6-7 डॉक्टर उसमें लगे थे, सब लोग तैयार थे, अपना अपना काम कर रहे थे। तो सभी लोग जो है बहुत उससे अपने मेहनत की उन्होंने मरीज के लिए और मरीज़ की जान बचाई और मरीज़ भी काफ़ी खुश है। मैं अभी उनसे मिल करके आया हूँ। हाँ, ऑपरेशन वो सफल है। हाँ, जटिल ऑपरेशन इसलिए है कि वो दाहिनी तरफ पूरा फेफड़ों की तरफ से होकर गया है। बस खुशी की बात ये रही कि वो फेफड़े में कोई उसमें इंजरी नहीं हुई है, उसमें उसके पास से गुजर गया है और पीछे हड्डी जो होती है जिसको हम स्कैपुला बोलते हैं वो कई जगह से फ्रैक्चर हो गई थी, तो वो भी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ने स्टेबल कर दी है अपना प्लास्टर लगा करके। और जटिलता ये थी कि कोई भी बड़ी वेसल, कोई भी बड़ी नस इंजरी हो सकती थी, तो वो उसको लेकिन बड़ी सावधानी से सब लोगों ने निकाला और उसको कोई इस तरह की दिक्कत मरीज को नहीं हुई। ये पूरा जो मरीज के मामला है मैंने प्रधानाचार्य जी को अवगत कराया, वो पूरी तरह से इसको मॉनिटर कर रहे थे और उन्होंने पूरी टीम को इसके लिए बधाई दी है। आइए अब जान लेते हैं कि रोडवेज की यह बस कहां जा रही थी। रविवार को प्रयागराज से यह बस उरई जा रही थी। इस बस पर जालौन के रहने वाले 65 वर्षीय बुजुर्ग अलक प्रकाश खरे भी सवार थे। कानपुर के विजयनगर चौराहे के पास रोडवेज की जब यह बस पहुंची तो अचानक तेज रफ्तार या अनियंत्रित बस डिवाइडर से टकरा गई। डिवाइडर से टक्कर लगते ही बस की सीट में लगी लोहे की रॉड बुजुर्ग अलक प्रकाश के सीने में घुसकर पीछे पीठ की तरफ से बाहर निकल गई। डॉक्टर आर के सिंह के मुताबिक बॉडी में आर पार रॉड को सही से बाहर निकालना और बुजुर्ग की जान बचाना दोनों की काम चुनौतीपूर्ण थे। फिलहाल बुजुर्ग को ICU में रखा गया है और उसकी हालत अब सामान्य है, इसलिए जाको राखी साइयां मार सके ना कोई की कहावत आज फिर चरितार्थ हुई। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।